जब हम छोटे थे तब हम बाथरूम में रहते थे और छुप जाते थे ना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में भी डर है। अच्छा सुनो ना, लेटेड भी हम जम्मू कश्मीर के बाहर रहते, फिर आपको डर लगता? तो आज हम कश्मीर फाइल रिव्यू करेंगे। मेरे को काफी लोग बोल रहे थे कि आप कश्मीर फाइल रिव्यू क्यों नहीं कर रहे हो, आप तो पुंछ से हो, आप तो जम्मू कश्मीर से हो। तब तो मैंने देखी नहीं थी मूवी, तो काफी टाइम से बोल रहे हैं लोग। मैंने कोई 2 हफ्ते पहले मूवी देखी थी। मूवी देखने के बाद मैंने सोचा यार इसको रिव्यू करना बनता है, क्योंकि ये जम्मू को चिड़िया खानी है। जीने दो उनको चांस यार। अभी 1:30 बज रहे हैं, मम्मा जब स्कूल से आएंगे तभी रिव्यू करेंगे हम, क्योंकि मम्मा ने देखी नहीं है। मम्मा कल देखने वाले थे, मैंने बोलता रुक जाओ साथ देखेंगे, मतलब मैंने तो देख लिया पहले, पर लेकिन मम्मा का रिव्यू भी ऐड करना जरूरी है, क्योंकि तब मम्मा कॉलेज टाइम में थे तो मम्मा ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। पता है पुंछ में भी जब हम छोटे थे ना, तो मेरे को एक बात याद आती है, जब हम छोटे थे तब क्या हुआ था कि ये जो रूम है ना, इस रूम की खिड़की है ना, ये खिड़की के बाहर हमने पूरा वो लगा दिया था, बोरों में रेते भर के यहाँ पे लगा दिया था। और मुझे बिल्कुल वो सिनेरियो, वो मूवी देख के वो चीज याद आ गई, और वो बचपन की याद ताजा होगी कि ऐसा हुआ था वो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो हम छोटे होते थे, मुझे बात बिल्कुल याद नहीं आ रही, लेकिन क्या हुआ था इतना याद था कि कुछ टेररिस्ट ने अटैक करा था, और ये चीज काफी टाइम तक चली थी। हमारा घर सेफ नहीं था इतना, तो हमने क्या किया, काफी लोगों ने किया था शायद, कि अपने घरों के बाहर या फिर अपने ऐसे जहाँ पे खिड़कियां हैं वहाँ पे बाहर बोरियों में रेत भर के पूरे ऊपर तक लगा दी, ताकि अगर फायरिंग होती है तो फिर अगर हम कमरे में बैठे तो हम सेफ रहे। तो एक बार क्या हुआ था कि फायरिंग स्टार्ट हुई, मतलब मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, मेरे को बस थोड़ा थोड़ा जो सिनेरियो याद आ रहा है ना, बिल्कुल थोड़े जो विजन याद आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। मम्मा से पूछूंगी कि क्या हुआ था, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है कि क्या हुआ था। तो एक बार फायरिंग स्टार्ट हुई तो पता नहीं हम सारे भूख लगी कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम बच्चे छोटे छोटे, हम डर गए, हम सोचे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हमको फटाफट बाथरूम, बाहर एक बाथरूम है तो हमको वहां पे लेके गए थे। बाथरूम के फर्श में चटाई बिछा दी थी ताकि हम वहां पे बैठे। ये देखो चिड़िया खानी है ना। तो मैंने फिर मम्मा को बोला, मम्मा मेरे को भूख लगी है तो मैं आपको दिखाती हूँ बाथरूम कौन सा और किचन कहाँ पे है। ये है किचन, ठीक है, और बाथरूम है यहाँ पे। ये वाला बाथरूम था तो नीचे हमने बिछाया था और हम सब यहाँ पे बैठे थे इस बाथरूम में। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा को भूख लगी है, तो मम्मा ने किचन बड़ी मुश्किल से, मम्मा डर डर के किचन में गए, तो मेरे को भी डर लग रहा था कि हाँ मैंने मम्मा को क्यों भेजा। तो फिर मम्मा डाल के लाए ग्रीन दाल और चावल, मतलब आज भी याद है कि मैंने खाया क्या था उस टाइम बाथरूम में बैठ के। तब से मुझे माइंड में चलता आया कि जब टेररिस्ट अगर हमारे घर पे अटैक करेंगे तो हम कहाँ छुपेंगे। तभी मेरा माइंडसेट ऐसा बन गया ना कि मैं बोल रही थी कि हम उस टैंकी में छुपेंगे या हम और भी घर में कुछ जगह है जो मैं बता नहीं सकती वहाँ पे छुपेंगे, क्योंकि बचपन में हमने चीजें देखी हुई है। अब पुंछ जो है यहाँ पे इतना कुछ नहीं हुआ आज तक, तो हमने देखा वो भी हमारे अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा था, लेकिन वो जो कश्मीर में हुआ ना उसका करोड़मा हिस्सा भी नहीं था। करोड़मा के अरब हिस्से कर लो ना किसी चीज के, और उसमें से एक टुकड़ा उठाओ वो हिस्सा भी नहीं था इसका, मतलब जो हमने देखा और जो कश्मीरी पंडितों ने देखा। तो चोमू की मूछों को मैं ताव दे रही हूँ। देने देने यार, ताव बोलते क्या बोलते, जट दा मुकाबला 10 महीनों किथे। ओ चोमू क्या बात है, बहुत हैंडसम लग रहे हो। सुबह में गई थी योगा कर रहे हैं, तब से हमारी यहीं पे लगी हुई है। दिल कर रहा है बड़ा किम खाने का, पर खा नहीं सकती, खानी भी नहीं चाहिए वैसे। अभी बस गर्मियां आ गई है, लकाट लगेंगे, लकाट खाऊंगी पेड़ पे चढ़ के। ये है लकाट का पेड़। बिस्कुट क्यों खाऊं, खाना खाने ना पैसे नौ नहीं खा दे, दूध पीता खाली दूध। इतनी लेट क्यों आए, आपका इंतजार कर रही हूँ। पैदल आयो, मेरी साइकिल ले जाया करो ना। जी तो साइकिल चलाओ ना यार, ले जाया करो साइकिल। बचपन में नहीं चला सकी, अब बुढ़ापे में चलाऊंगी साइकिल। बुढ़ापा किधर है मामा, चला लोगे आप, मैं सिखाऊंगी। चलो चलो ग्राउंड मेरे साथ। लोग ऐसे ऐसे पुठे होंगे, लोग नहीं हंसने, चलो नहीं मार सीटियाँ। तो ले देना मेरी गड्डी, ले दो ले देसा। तो बहुत टाइम से मैं लेना चाहती थी और आज मैंने ले ली। ये देखो स्टील की पाइप, अब मुझे दूसरी पाइप नहीं लेनी पड़ेगी। अरे इससे अपने आप सुराख हो गया, मेरे को चाकू ही नहीं मारना पड़ा, देखा। अब प्लास्टिक की पाइप नहीं लेनी पड़ेगी कभी भी। सॉरी सॉरी लाडो सॉरी। बहुत क्यूट हो। सॉरी हैंदे यार, ऐसे कौन कहते हैं बदतमीज, सिर पे मेरे भगवान का वास है। सॉरी 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 सॉरी। जो प्ले यस। मम्मा अभी रेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो उठ जाएं, फिर वीडियो बनाएंगे। तब तक मैं नारियल की मलाई खा लेती हूँ। किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया था नारियल को जोर जोर से जमीन में पटाको तो फिर वो फट जाएगा, फिर उसकी मलाई खा लेना। मैं उसको पटाकती हूँ जोर जोर के जमीन पे। तू क्या, तेरे को क्या, पिछड़ बहुत बारी है। ओह ओह पाइप टूट गई। सॉरी सॉरी, बस फट रहे वाला है। यहाँ सीढ़ियों से फेंक के देखती हूँ। ओह फट गया फट गया फट गया। यस मलाई खाऊंगा मैं, पिचट मलाई खाएगा तू। हो यस यार, मैं कदा चल दफा यहां से, तो मैं खाऊंगा, मैंने भी जाएगी। कोई हेल्प नहीं की तूने। वाओ यार कितनी सारी मलाई है, थैंक यू यार जिसने बताया कमेंट सेक्शन में। डंगर, और डंगर की औलाद तेरी औलाद हूं मैं, जा खेल इसके साथ। यस चलो
अरे खाने वाला माल तो है नहीं बीच में। मम्मा चाय पी लें फिर मूवी देखेंगे। आज देख चुके हैं मम्मा, मम्मा को जिक्र नहीं पड़ रहा देखने का। मैं बोल रही हूँ देखो देखो। पहले मेरे को एक बात बताओ, याद है बचपन में एक बार हम सब बाथरूम में छुप गए थे बाहर, यहाँ पे बाहर वो मिट्टी के बोरे लगाए हुए थे बड़े बड़े, ऐसा क्यों, क्या क्या हुआ था? मतलब मेरे को नहीं याद। तब वो शेलिंग होती थी ना, शेलिंग होती थी। कारगिल युद्ध लगा हुआ था 1999 में लगा था। 1999 क्या मामा बात कर रहे हो? मेरे को, अरे मामा तब मैं इतनी भी छोटी नहीं थी। बाद की भी बात है, शेलिंग होती थी तब मैं 2-3 साल की हुई होंगी। शेलिंग पता है कब बंद हुई? जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे या कौन थे, दोनों ने ये जो मुजफ्फराबाद और ये इधर की नहीं लगाई थी बसेस, पाकिस्तान के लोग इंडिया आ सकते हैं, यात्रा करने इंडिया के अंदर जा सकते हैं, बस सेवा लगी थी ना, तब उसके बाद ये बंद हो गया। उसके बाद शेलिंग बंद हो गई। तो उससे पहले क्यों होती थी पता नहीं, उसके पहले ऐसे ही होता था, कंट्रोवर्सी चलती रहती थी दोनों देशों की। जब हम छोटे थे तब हम बाथरूम में रहते थे और छुप जाते थे ना थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो मतलब वहाँ सामने जो जगह वहाँ से आवाज आती थी ना शेलिंग की। हाँ, वो तो शेल की आवाज जो होती है ना गूंजती है ना यहाँ पर, तो हम इतने डर क्यों जाते थे? हमको इतना भी खतरा तो नहीं था। नहीं, खतरा था, पार वो किसी के घर बम पड़ा था नहीं, वहाँ पे शेलिंग हुई थी तो उनके ड्राइंग रूम के अंदर छत फाड़ के अंदर गया था शेल। घर पे? हाँ, घर उड़ गया था। तो मतलब हमारे घर को भी पड़ सकता था, कहीं भी पड़ सकता था। तो फिर हम बाथरूम में क्यों छुपते थे? बाथरूम में भी तो पड़ सकता था। गिलास में तो शेलिंग होती है सीधी पार से, होती है, होती थी। अभी थोड़ी देर पहले भी तो हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले भी तो हुई थी। हाँ, कोई 2 साल पहले हुई थी। एक पूरा घर मर गया था, एक पूरी है ना, पूरा परिवार मर गया, सोए हुए थे रात को बेचारे। कुछ दिनों पहले, साल दो साल पुरानी बात है, साल एक पुरानी बात है। अच्छा, तो मेरे बर्थडे में भी तो 3-4 साल पहले ये टेररिस्ट अटैक हुआ था, ये आतंकवादी आ गए थे वहाँ पे यार, क्या बोलते हैं, एयरफील्ड के पास, पता नहीं एयरफील्ड के पास एक बिल्डिंग। अच्छा, हाँ हाँ, वो एक लड़का मर गया था। हाँ? एक पुलिस वाला एसपी था बेचारा, मेरे बर्थडे वाले दिन जो हुआ था, याद है? तो फिर मतलब याद है आपने बचपन में खाना डाल के लाया था बाथरूम में, हमने बैठ के खाना खाया था, है ना? आपको बड़ा मजा आ रहा था वहाँ पे। हाँ, हमको तो डर भी तो लग रहा था यार। जो तो वो कितने टाइम तक चला था वो बोरियां रखने वाला सिस्टम? वो चला था 6 साल में, 6-7 महीने चला था, 6-7 महीने उसको ठीक हो पड़ी रही थी बोरियां। फिर कई बार छुपते थे लोग, लोगों ने अपने अपने घरों में बंकर बनाए हुए थे, सबने बनाए हुए थे। तो सोचो हमने मम्मा इतना सा देखा है ना, और उन कश्मीरियों ने कितना देखा मम्मा। हमने उनका तो 0.00005% भी नहीं देखा होगा। हाँ। और अभी तक वो मेमोरीज हमारे, मत सोचो मैं कितनी छोटी हूँ, मैंने कभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया इस बारे में, लेकिन मेरे को फिर भी वो चीजें याद है। हमने जब कुछ नहीं देखा फिर भी हमारे माइंड में चीजें छपी हुई है। और वो कश्मीरी पंडितों का क्या है ना, उनके माइंड में कितनी बातें होंगी। मम्मा लाइफ तबाह होती है, इसकी भी अच्छी नहीं रहती। रहने दो, उन्होंने तबाह की, उनकी अच्छी नहीं रही जिन्होंने तबाह की। उनकी क्या लाइफ है, उनकी अपनी लाइफ कुछ होती नहीं। रहने दो मम्मा यार, मूवी देखो, चलो आप आगे मूवी देखो। ये देखो मेरी बाजू सड़ी आज। ये क्या किया? चाय बनानी सी है तो सड़ी गई। नुन्ने बच्चे, याद है एक बार जब मैं थोड़ी बड़ी थी तो मैंने आपसे पूछा था कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। आपने मेरे को बस इतना बताया था कि जो हिंदू कश्मीरी थे उनको कश्मीर से बाहर निकाल दिया था, बस आपने मेरे को इतना ही बताया था। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे को पता चला कि ये था, या तो मुस्लिम बन जाओ या तो भाग जाओ या तो मर जाओ, ये तो मेरे को बड़े होकर पता चला बहुत देर बाद। आपने बस मेरे को इतना क्यों बताया कि बस आपने मतलब बताया ही नहीं, आपको कितना पता है? मुझे सिर्फ ये पता था कि 1989 में ऐसा हुआ था कि कोई टूरिस्ट थे वो किडनैप हुए थे, उसके बाद कुछ मतलब बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, तो पता नहीं क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं है। बस फिर जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साथ कश्मीरी लड़कियां पढ़ती थी, तो उन्होंने बताया था कि हमारे वहाँ श्रीनगर में वो टेररिस्ट अटैक हुए, हम वहाँ से भाग आए। पूछ आए थे वो यहाँ पे आए? हाँ, किसी के पापा की ट्रांसफर इधर हुई है, किसी की जम्मू हुई थी, बस ऐसे ऐसे। अब मम्मा मूवी देखेंगे फिर उसके बाद रिव्यू देंगे, क्योंकि मम्मा को भी पूरी तरीके से सच्चाई नहीं पता। तो मैंने तो देखी थी, मैंने तो कोई 2 हफ्ते पहले देखी थी, मैं तो उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पा रही थी कि मैं ये रिव्यू वीडियो शूट करूं, तो अब कर रही हूं, क्योंकि अब थोड़ा मैं मेंटली थोड़ा बेटर फील कर रही हूं। अब आप देखो, अब मेरे को तो डिप्रेशन है। मैं भी वापस देख रही हूं। तो कल वीडियो नहीं शूट करी हमने क्योंकि मम्मा मूवी देख के काफी दुखी हो गए। अब सोच रहे हैं कि वीडियो को कंप्लीट कर दें, पर मन नहीं कर रहा करने का, दुख लगा मुझे देख के बहुत। क्या पता था अगर क्या ज्यादा एक्स्ट्रा पता चला आपको मूवी देख के? पता तो मुझे सारा कुछ था, लेकिन मतलब ऐसे लोगों को देख के दुख लगा, सब कुछ देख के दुख लगा। लास्ट सीन तो आपने देखा ही नहीं? नहीं, मैं वो देख ही नहीं सकती, नहीं देख सकती। तो भगवान ने इंसान पैदा किया और इंसान आगे से बट के लड़ाइयां करते हैं। भगवान एक है, सभी इंसान भाई बहन, ऐसे समझना चाहिए सबको। एक दिन सबने चले जाना यहाँ से, तो फिर किस बात की नफरत है, रहने वाली जगह ही। फिर भी जस्टिस तो नहीं मिली ना कश्मीरी पंडितों को? वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन दुख लगता है जब ऐसे मजहब के नाम पे लड़ाई होती है, बहुत दुख लगता है। आप तो रिव्यू देने में भी डर रहे थे कल। मम्मा बोलते रिव्यू, अच्छा रिव्यू मेरा होगा? मम्मा के साथ बीती है तो।
मम्मा कहते कि हम रिव्यू नहीं देते, मेरे को डर लगता है, हम पुंछ में रहते हैं। आपने बोला ना कल। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैं मतलब अब जो इस वक्त यंग जनरेशन है उनके बीच में नफरत नहीं पैदा होनी चाहिए। अब जो है अब तो सब मिलकर रहे हैं। नफरत की बात नहीं है, अवेयरनेस की बात है मम्मा। ये हुआ अब सब, हाँ तब तो हुआ था, लेकिन अब जो जनरेशन है अब तो लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। लेडीड में हमको हमारे घर से निकाल दिया जाए, हमको घर की याद नहीं आएगी। वो तो होती है, याद तो आती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ना। जस्टिस मिली भी कहाँ, अब आगे के लिए उसका यही जस्टिस होगा कि आगे की जो जनरेशन है वो ठीक से रहे। अब उनके अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए बस। अब तो किसी के अंदर नफरत हो या ना हो, कोई किसी का इतना थोड़ी कुछ बिगाड़ सकता है। अब थोड़ी कोई इतना बिगाड़ सकता है। लेकिन तब के सरकार मरी हुई थी, सोई हुई थी, किधर थी? कुछ भी नहीं था ना यहाँ पे, रोड भी नहीं था, इतने ज्यादा सोचा भी नहीं था ना गवर्नमेंट ने कि कभी ऐसा हो सकता है। शांति थी सब जगह, ऐसी कोई बातें तो सुनी नहीं थी हमने कभी, ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है? कोई ना, हमारे यहाँ शांति थी, हमने सुना ही नहीं कभी। जहाँ पे जो कुछ हो रहा है वहाँ पे हमें क्या पता था, कभी किसी ने कुछ दिखाया ही नहीं कि क्या हो रहा है ना। कितना अच्छा बंदा है जिसने मूवी बनाई। कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम हो रही है कि मूवी क्यों बनी है, इसको बैन करो बैन करो। कैसे कैसे अलग अलग तरह के लोग हैं ना दुनिया में। और कुछ कहना लास्ट में? मेरे को मन ही नहीं कर रहा अभी अपलोड करने का, मैंने जो कहना था कह दिया। मैंने ये कहा कि अब आगे वाली जनरेशन जो है उनमें कोई नफरत ना हो, वो भी प्यार से है, उनको इन चीजों से सीख लेनी चाहिए कि इन चीजों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यार हम एक अच्छा रिव्यू नहीं दे सकते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में भी डर है कि पागल है ये, कुछ नहीं बोल, डर शर नहीं है कोई भी। अच्छा कल आप डरे हुए नहीं थे कि नहीं हमको नहीं रिव्यू देना वो होता है, वी कांट गिव अ गुड रिव्यू सीरियसली। अच्छा कल आप 10 बार आके नहीं, मेरे को बोलते वहाँ कुंडी मार, इधर कुंडी मार, कुंडी मार के सोना कर, ये कुछ नहीं। हम तो सेफ है ना। अच्छा सुनो ना, लेटेड भी हम जम्मू कश्मीर के बाहर रहते, फिर आपको डर लगता?